नमस्कार, मी अनुष्का शंखना न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत करते. बघूया आजच्या काही मराठी ठळक बातम्या. गोंदिया जिल्हा शेजारील मध्य प्रदेशातील बालाघाट मंडला येथील घटना सध्या सुरू असलेल्या नक्षल निर्मूलन मोहिमेत सहभागी सुरक्षा दलाच्या जवानांना मोठं यश आलं आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमेलगत मोठा घातपात घडवून आणण्याच्या बेतानं दबा धरून बसलेल्या 35 ते 40 नक्षल असून त्यापैकी 2 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात बालाघाट पोलिसांना यश आलं. ही घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. विशेष म्हणजे या चकमकीत ठार झालेल्या दोन्ही नक्षलवाद्यांवर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये पोलिसांनी 43 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं होतं. या कारवाईमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठाही जप्त केला असून या भागात आणखी काही नक्षलवादी असण्याची शक्यता सुरक्षा दलाच्या जवानांनी वर्तवली आहे. तो जब ये था कि वो कोई बड़ी घटना कारित कर सकते हैं तो पुलिस पार्टी सर्चिंग में गई उस एरिया में. जब सूचना और पुख्ता हुई तो पुलिस पार्टी ने पुलिस अधीक्षक को सूचित किया. तो बाद में पुलिस अधीक्षक बालाघाट और कमांडेंट होप के नेतृत्व में 2 पार्टियाँ बनाई गई और फाइनली नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है. दोनों तरफ से काफ़ी गोलियां चलती हैं और बाद में नक्सली भाग जाते हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा के. सुबह जब सर्चिंग की जाती है तो 2 डेड बॉडी रिकवर होती हैं और बाकी और भी कई गोली बाकी नक्सलियों को भी लगी है. काफ़ी उनके घायल होने की भी संभावना है क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे बुलेट ट्रेल्स हमें मिले हैं. वहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्रुप था उनका, मुझे लगता है 35-40 के आसपास. कितने राउंड फायरिंग? फायरिंग नक्सलियों की तरफ से 170 से 200 के बीच में हुई और पुलिस की तरफ से 100 और 130 के बीच में. अभी सामग्री मिली है जैसे AK-47 वेपन मिला है क्योंकि एक जो महिला नक्सली है वो DVCM रैंक की है, क्रांति उर्फ शाहजंती, उसके ऊपर 29 लाख इनाम है, उनसे AK-47 मिली है. दूसरे जो नक्सली जो यहीं के रहने वाले हैं गड़ेकसा गाँव के बालाघाट जिले के, उनसे 12 बोर वेपन मिला है. शंखनाद न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट. क्या हुआ बहू? माँ पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepilespilespitals.com.